बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.5 है उसको स्टार्ट करना है। तो आइए हम जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट कहता है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स, बिलाल टेक आउट वन ऑफ स्वीट विदाउट लुकिंग। कहता है एक बॉक्स है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्वीट्स पड़ी हुई है। कौन से हैं जी इसके अंदर है स्वीट्स, किस फ्लेवर की है, ऑरेंज फ्लेवर की है, ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट है। तो बिलाल जो है इसमें से, बिलाल क्या करता है, इसमें से एक स्वीट को बाहर निकाल देता है विदाउट लुकिंग, यानी एक बॉक्स के अंदर ऑरेंज कलर की जो स्वीट है वो पड़ी हुई है। बिलाल क्या करता है, उसको देखता नहीं, उसमें से एक स्वीट को बाहर निकाल देता है कि कौन सी स्वीट है उसको नहीं पता। अब इवेंट क्या हो रहा है, ठीक है, इवेंट कह रहा है कि स्वीट इज द ऑरेंज फ्लेवर। कहता है जी जो स्वीट आई है बाहर जो बिलाल ने एक निकाली है वो कौन, किस फ्लेवर की है, ऑरेंज फ्लेवर की है, ऑरेंज फ्लेवर। सेकंड इवेंट वो कह रहा है कि जो स्वीट आई है वो किस फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की है। करना क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कहता है ईच केस, हर केस में आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी की भी हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल इवेंट की फाइंड करनी है तो वो नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, इवेंट में जो नंबर होते हैं उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ सैंपल्स के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ। अब इवेंट तो हमारे पास गिवन है, सैंपल्स में हमें चाहिए एस। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट की जो है वो बात कर लेते हैं कि इवेंट हमारे पास क्या है। इवेंट जो है कहता है स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। अब हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या गिवन थी, एस, उसने गिवन दिया था कि एस में आपके पास क्या है, ऑरेंज फ्लेवर स्वीट है। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो यहां पे आ जाएगा ऑरेंज फ्लेवर स्वीट, ठीक है। अब इवेंट यहां पे देखो हमारे पास गिवन है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितने हमारे पास, 1। इसमें कितने फ्लेवर की स्पीड पड़ी हुई है, सिर्फ एक ही फ्लेवर की स्पीड है, जिसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होगा, 1 होगा। अब अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट उसने क्या गिवन दिया हुआ है, इवेंट में वो कह रहा है स्वीट इन ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, कि आपके पास जो स्वीट है वो किसकी है, ऑरेंज फ्लेवर की है। स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। यहां पर कहता है बिलाल टेक अ वन स्वीट विदाउट लुकिंग, वो कहता है वो कौन सी थी, ऑरेंज फ्लेवर की। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने हो गए, 1, क्योंकि एक ही स्वीट निकाली थी। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ एस, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ ई कितना है, 1, एन ऑफ एस कितना है, 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम बात करें इसके सेकंड की। अब सेकंड में उसने क्या कहा था कि द स्वीट इज लेमन फ्लेवर, इवेंट उसने कहा है, अगर हम सेकंड की बात करें इवेंट इसमें है जी स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब मुझे ये बताएं कि क्या जो बॉक्स हमारे पास गिवन था सैंपल स्पेस, उसमें कोई लेमन फ्लेवर की स्वीट थी? नहीं, कोई भी नहीं थी। ठीक है, उसमें से हमारे पास किस फ्लेवर की है? ऑरेंज फ्लेवर की है। तो इसका मतलब जब बिलाल उसमें से एक स्वीट निकालेगा तो लेमन फ्लेवर की तो कोई भी नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इसमें कितने हो जाएंगे? इवेंट में जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट दे रहा है वो कह रहा है लेमन फ्लेवर की स्वीट है, तो लेमन फ्लेवर की स्वीट तो बॉक्स में थी नहीं, तो इसलिए हमारे पास इस फ्लेवर की कोई भी स्वीट नहीं आएगी। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अब इनको डिवाइड करेंगे जीरो, और ये हमारे पास मान इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो आई है जीरो, और जो फर्स्ट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है? वन। आगे सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट गिवन है पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज। एक्सपेरिमेंट जो गिवन है वो कहता है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो क्या करते हैं? क्रिकेट मैच जो है उसको खेलते हैं। और अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया कि जो एक्सपेरिमेंट गिवन होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सैंपल स्पेस एस जो है वो उसने क्या दी है? सैंपल स्पेस एस। कहता है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो क्रिकेट मैच खेलते हैं। अब देखो जब पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच खेलेंगे तो वहां पे रिजल्ट कौन से पॉसिबल है? या तो क्या होगा, ये दोनों में से एक टीम क्या करेगी? विन करेगी। ठीक है, या एक दोनों में से एक टीम क्या करेगी? लूज करेगी मैच को, या मैच दोनों का क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होंगी ना। जब भी दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं तो यही तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, और या दोनों का मैच क्या हो जाता है? टाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस गिवन थी। अब इवेंट क्या कह रहा है? इवेंट हैपनिंग। पहला इवेंट क्या है? कहता है पाकिस्तान विन। ठीक है, पाकिस्तान विन कर रहा है। पहले तो हम देखने लगे इवेंट जो है गिवन पाकिस्तान विन। पाकिस्तान कहता है मैच क्या करेगा? विन करेगा। आपने करना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये जो आपके पास इवेंट हैपन हो रहा है इसका हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्रोबेबिलिटी जो है उसको फाइंड करना है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। तो अगर हम एन ऑफ एस की बात करें, एन ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस क्या? कितनी पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में? 3 है, विन, लूज और टाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस इवेंट की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, पाकिस्तान के जीतने कितने चांस हैं? एक ही चांस होगा ना, एक बार मैच हो रहा है, या पाकिस्तान जीतेगा, हारेगा, या टाई होगा, तो एक ही चांस है, नंबर एलिमेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमने क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमने क्या फार्मूला पढ़ा होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने हैं? 1, नंबर इन द सैंपल स्पेस 3। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/3 के 3 में से एक चांस होगा पाकिस्तान का जीतने का। अब सेकंड इवेंट में क्या कह रहे हैं? इंडिया डज नॉट लूज, कि इंडिया मैच नहीं हार रहा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इंडिया मैच नहीं हार रहा, तो इसका मतलब क्या है? इस सैंपल बेस में से हम लूज को निकाल लेंगे, वो मैच नहीं हार रहा, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो फिर इंडिया मैच जीतेगा, या क्या करेगा? टाई करेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड इवेंट है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड इवेंट में अगर इंडिया मैच नहीं हारा तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या इंडिया विन करेगा, पहले लिख लेते हैं, इंडिया डज नॉट लूज। अगर इंडिया नहीं हारा तो इसका मतलब इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास कौन सी आ जाएंगी सैंपल स्पेस में से? या इंडिया विन करेगा या मैच क्या होगा, टाई होगा। ठीक है, तो इसमें कितने आगे पॉसिबिलिटी, नंबर हो एलिमेंट इन सैंपल्स में कितने आगे, टू आ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमें इसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस। अब इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, टू, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, थ्री। तो इंडिया जो सेकंड इवन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली आपके पास, 2/3 निकली कि इंडिया, उसने कहा था इंडिया डज नॉट लूज, अगर नहीं लूज करा, हार नहीं रहा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो मैच दोनों का टाई होगा या इंडिया क्या करेगा, विन करेगा। अगर उसकी पॉसिबिलिटी क्या निकली है, प्रोबेबिलिटी जो है सॉरी 2/3। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेरिमेंट गिवन है, कहता है देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल इन अ बॉक्स। ये उसने कहा हुआ है एक्सपेरिमेंट में, वो क्या कह रहे हैं, और हमें पता है एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होती है, तो हम यहाँ पे साथ लिख भी लेते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में वो क्या कह रहा है कि 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स। ठीक है, सैंपल स्पेस ने कहा जी 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी सैंपल स्पेस में, 5 ग्रीन और 3 रेड है तो 8 होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस 8 होगी। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि 1 बॉल इज टेकन आउट, कहता उसमें से एक बॉल को क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो इवेंट क्या हुआ, कहता वो जो बॉल आपने निकाली है वो कौन सी है, बॉल इज ग्रीन। फर्स्ट की बात करते हैं, बॉल इज ग्रीन, तो इवेंट में हमारे पास कितनी बॉल्स है, 5, कितनी ग्रीन बॉल की बात कर रहा है, तो टोटल 8 इसमें बॉल है। यहां पे बात कर रहा है कि जो आपने बॉल निकाली है वो कौन सी है, ग्रीन, तो ग्रीन कितनी बड़ी हुई है, 5, तो यहां लिखेंगे 5 ग्रीन बॉल, यानी कि नंबर ऑफ इन इवेंट कितने हो गए, 5 उसमें ग्रीन बॉल पड़ी हुई थी, यानी कि 8 में से जब वो ग्रीन बॉल निकालोगे तो 8 में से 5 चांसेस है ग्रीन बॉल बाहर आने के। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस। तो ये कितने हैं, 5, और एनएस कितना आपके पास, 8। तो फर्स्ट इवेंट जो हैपनिंग हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 5/8। अब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड इवेंट में वो कह रहा है कि बॉल इज रेड, बॉल जो है वो आपके पास क्या है, रेड है, बॉल इज रेड मीन के हमारे पास कितनी रेड बॉल है यहाँ पे सैंपल स्पेस में, 3 रेड बॉल। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए, 3, एन ऑफ ई आपके पास आ गए 3। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितनी है, 3, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। फर्स्ट इवेंट ग्रीन बॉल हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 5/8, और सेकंड जब बॉल रेड यानी कि बॉल इज रेड तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 3/8। आगे क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सपेरिमेंट गिवन है, कहता फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम्स। कहता ये जो कॉइन है आपको पता होगा, हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं या हम देखते हैं तो उससे पहले एक टॉस होता है कॉइन के साथ। अब कॉइन के ऊपर एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे क्या होता है, टेल होता है। कहता है एक फेयर कॉइन जो है उसके साथ कितने टाइम टॉस किया है, 3 टाइम जो है वो टॉस किया है। तो इवेंट कौन सा हैपनिंग हुआ है, 1 टाइम टेल, और सेकेंड इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इवेंट की। अब देखो सैंपल स्पेस में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो कोई ना उसको 3 टाइम जो है वो क्या किया गया है, टॉस किया गया। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, अब देखो जब हम कॉइन के साथ टॉस करेंगे 3 टाइम, ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 1 टाइम हमने किया तो वो क्या आ गया, हेड आ गया, फिर हमने किया फिर हेड आ गया, फिर हमने किया फिर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। यानी कि 3 टाइम जब करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी देखो तीनों टाइम क्या आ जाए, हेड आ जाए। या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट 2 टाइम पहली बार हम करें हेड आ जाए, फिर हम करें हेड आ जाए, थर्ड टाइम करें तो क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या हम क्या करें, पहले टाइम किया हेड आ गया, बाद में किया तो टेल आ गया, ठीक है। या क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किया तो टेल आ गया, बाद में किया हेड आ गया, फिर बाद में किया तो हेड आ गया। या ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किया हेड आ गया, सेकंड टाइम किया टेल आ गया, और थर्ड टाइम किया तो फिर क्या आ गया, हेड आ गया। या ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फर्स्ट टाइम किया टेल आया, सेकंड टाइम किया फिर टेल आ गया, थर्ड टाइम किया तो हेड आ गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही है कि 3 टाइम टॉस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों टाइम हेड आ सकता है। या फर्स्ट 2 टाइम जो हमारे पास टेल आ जाएगा, थर्ड टाइम क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, थर्ड टाइम क्या आ जाएगा, टेल। या फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड आएगा बाद में टेल आ जाएगा, या फर्स्ट टाइम टेल बाद में हेड आ जाएगा, या पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ जाएगा। या फर्स्ट 2 टाइम में टेल या ऐसे भी हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। या ऐसे हो जाएगा कि तीनों टाइम ही क्या आ जाए आपके पास, टेल आ जाए। ये आपके पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कि जब आप 3 टाइम टॉस करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगी, तीनों टाइम हेड आ सकता है, या तीनों टाइम टेल आ सकता है, या 2 टाइम हेड और 1 टाइम टेल आ सकता है, या 2 टाइम टेल और 1 टाइम हेड आ सकता है, या टेल फिर उसके बाद हेड हेड आएगा, या हेड टेल और हेड आएगा, या आपके पास क्या होगा, टेल हेड और फिर टेल आएगा। ये आपके पास टोटल जो है वो 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितने हो गए, 8। अगर आपको इसकी समझ नहीं भी आई तो आप ले लो क्या नाम है कोई, तो उसके हिसाब से इसको करो, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रियल में आपको एग्जाम्पल टॉस करके देख लो, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी, ठीक है, 8 टोटल पॉसिबिलिटी। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 8। अब इवन क्या कह रहा था, इवन में कह रहा है कि जो आपके पास 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल के आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि 1 टाइम टेल जो है वो कितना टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम टेल जो है वो कितना टाइम आ रहा है, 1 टाइम टेल एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, 1 टेल लिखा हुआ है, एक टेल एक ये और ये। तो आपके पास क्या इवेंट में कितने आ गए एलिमेंट, हेड हेड टेल टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, ये इवेंट में आपसे कहा था 1 टेल, ठीक है। 1 टेल इन 8 पॉसिबिलिटीज कितने टाइम आ रही है, सिर्फ 3 टाइम्स आ रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए, वो आपके पास हो गए 3। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये 3/8 आ जाएगा, ठीक है। आगे सेकंड में वो क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है कि कम से कम 1 हेड आता हो, एट लीस्ट 1। इसका मतलब क्या है, कम से कम 1 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। उससे ये होता है कम से कम एक से ज्यादा जितनी मर्जी टाइम आ जाए। तो आपने इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट है वो क्या आ गया, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। इसका मतलब जितने भी हेड वाले होंगे ना वो हमने सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। तो आप देखो हेड वाले कौन से आ रहे हैं, इसमें भी हेड आ रहे हैं, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ इसमें हेड कोई नहीं आ रहा, बाकी सब में हेड आ रहा है। इसका मतलब वो सारे के सारे जो हम इसके अंदर लिख लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड 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 टेल हेड और टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। देखो कितने यहाँ पे आपके पास इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बन गई 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए 7। अब इसके हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल टू आ जाएगी एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई आपके पास 7/8, ये इसकी क्या आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 और इवेंट गिवन है अ डाई इज रोल्ड द टॉप शोज। डाई का मतलब क्या है, डाई होता है आपके पास लूडो का जो दाना होता है उसको हम बोलते हैं डाई। अब कहते हैं उसको हम फेंकते हैं, जब हम फेंकते हैं तो ऊपर आने के क्या चांसेस होते हैं, अब हमें पता है उसके ऊपर क्या होता है 1 डॉट बना होता है, 2 डॉट 3 डॉट 4 5 और 6 डॉट बने होते हैं। ठीक है, कहते हैं जब आप उसको रोल करते हो तो ऊपर क्या आता है 3 आएगा या 4 आएगा, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या क्या होगा, कहता है डॉट लेस देन 5 आएंगे तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा 3 और 4 डॉट्स। ठीक है, अब जो सैंपल स्पेस है एस, जब आप लूडो का दाना फेंकोगे तो कितने चांसेस है ऊपर आने के, अभी हमें पता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है डॉट के ऊपर आने की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, वो हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब आप इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट में उसने कहा था 3 और 4 डॉट, या 3 है या क्या 4 डॉट है। ठीक है, तो इस 6 में जब देखें 3 और 4 टाइम कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, तो हमने लिख दिया 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए 2। कहता है इसकी आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो आपके पास क्या आएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई आपके पास कितना है 2 और 6, ये डिवाइड होकर आ जाएगा 1/3। तो फर्स्ट जो इवेंट है 3 और 4 डॉट की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 1/3 निकलेगी। अब इस तरह हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड इवेंट है डॉट्स लेस देन 5। अब लेस देन 5 कौन से, यहां पे देखो 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए 4 हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल टू आ जाएगी एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई आपके पास क्या आ रहा है 4 और एन ऑफ एस 6, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2/3। तो लेस देन 4 डॉट आने क्या प्रोबेबिलिटी निकली थी 2/3 जो प्रोबेबिलिटी है वो आई है। क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सपेरिमेंट जो है वो गिवन है द फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप नंबर 1 2 3 4 5। कहता है एक बॉक्स है और उस बॉक्स में स्लिप्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, स्लिप पड़ी है और उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उसके ऊपर वो कौन से हैं 1 2 3 4 और 5। कहता 1 स्लिप इज पिक अप। कहता उसमें से हम क्या करते हैं, एक स्लिप को निकालते हैं बाहर। तो इवेंट क्या हैपन होता है, तो वो जो स्लिप है कहता है वो कौन सी है, द नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम। कहता है वो जो स्लिप हमने निकाली है वो कौन, उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर जो है वो लिखा हुआ है। और सेकंड में कह सकते हैं द नंबर इज, द स्लिप इज मल्टीपल ऑफ 3। कहता है जो स्लिप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम फर्स्ट इवन से जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इवन में वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम, the number on the slip is prime। कहता है जो नंबर स्लिप के ऊपर आ रहा है वो कौन सा है, प्राइम नंबर है। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में वो क्या कर रहा था, एक बॉक्स है और उसके अंदर स्लिप पड़ी हुई है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ये एक्सपेरिमेंट की बन था, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितने आ गए, 5। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो n ऑफ s है वो क्या आ गया जी, वो आ गया 5। क्या सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर है वो कितने हैं, 5। अब हम अगर इवेंट की बात करें, इवेंट की, ठीक है, तो इवेंट के अंदर उसने क्या कहा, कहता है नंबर ऑन द स्लिप इज प्राइम। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने आप के ऊपर और 1 के ऊपर क्या होते हैं, डिवाइडेड है। यानी कोई भी नंबर जिसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर हो, ठीक है, जिसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर हो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो 2 3 और 5 ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। ये अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं या 1 के ऊपर होते हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो आपके पास है यहाँ पे 2 3 और 5, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट कितने हो गए, 1 2 और 3। अब इसके हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ e आपके पास क्या निकला, 3। n ऑफ s क्या है, 5। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, के टॉप के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो कौन सा प्राइम नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली, 3/5। अब अगर हम सेकंड की बात करें, द नंबर ऑन द स्लिप इज मल्टीपल ऑफ 3। द नंबर ऑन द स्लिप इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक ही है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए, 1। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब इक्वल टू होगा एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई आपके पास क्या निकला है, 1। एन ऑफ एस कितना है, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ गई 1/5 प्रोबेबिलिटी निकली। एक क्वेश्चन नंबर है 7 और एक्सपेरिमेंट गिवन है। कहता है 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ब्लू आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। डाइस भी हम किसको बोलते हैं, लूडो के दाने जो हैं उनको हम बोलते हैं। कहता है 2 लूडो के दाने हैं और उसको हम एक इकट्ठे ही यानी कि एक साथ क्या करते हैं, रोल्ड करते हैं, मीन के फेंकते हैं। द नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप आर एडेड। कहता दोनों दानों के ऊपर जो लूडो के दाने उसके ऊपर जो नंबर ऑफ ऊपर फ्रंट के ऊपर जो नंबर आएंगे डॉट्स उनको हमने क्या करना है, ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो कहता है आपके पास कौन से नंबर बनते हैं, 7 बनता है, 5 बनता है, 7 बनता है और 11 बनता है, ठीक है। तो 2 लूडो के दाने हैं उसको हम इकट्ठा जो है वो रोल करते हैं। जब हम रोल करते हैं तो उन दोनों लूडो के टॉप के ऊपर जो डॉट आते हैं, तो डॉट को अगर हम दोनों के ऐड करें तो क्या नंबर बनता है, 5 7 और 11। तो आपने इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है कि 5 जो है वो कितने टाइम आएगा, 7 कितने टाइम आ सकते हैं और 11 कितने टाइम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने करनी है सैंपल स्पेस की बात, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। तो आइए हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 5 डॉट, ऐड करें तो 5 आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस अगर हम एस की बात करें, ठीक है, अब एस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज आने की, जब हम दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन वन, दोनों के ऊपर जो है वो वन वन आ सकता है, या एक के ऊपर वन, एक के ऊपर टू, या वन और थ्री, या वन और फोर, या आ जाएगा वन फाइव, या आ जाएगा वन सिक्स। ठीक है, जब आप लूडो का दाना फेंकें तो हो सकता है पहले दाने के ऊपर वन आ जाए, अगले के ऊपर वन, या पहले पे वन, अगले पे टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, या इस तरह भी हो सकता है कि पहले के ऊपर टू आ जाए, अगले पे वन आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज भी आपके पास बनेगी कि पहले पे टू फिर बाद में वन आ जाए, या टू टू भी आ सकता है, या टू थ्री भी आ सकता है, या टू फोर भी आ सकता है, टू फाइव भी आ सकता है, टू सिक्स भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह आपके पास थ्री वन भी आ सकता है, थ्री टू भी आ सकता है, थ्री थ्री भी आ सकता है, थ्री फोर भी आ सकता है, थ्री फाइव भी आ सकता है, थ्री सिक्स भी आ सकता है। इस तरह फोर वन आ सकता है, फोर टू आ सकता है, फोर थ्री आ सकता है, फोर फोर आ सकता है, फोर फाइव आ सकता है, फोर सिक्स आ सकता है, या फाइव वन आ सकता है, फाइव टू आ सकता है, फाइव थ्री आ सकता है, फाइव फोर आ सकता है, फाइव फाइव आ सकता है, फाइव सिक्स आ सकता है, फाइव और सिक्स वन आ सकता है, या सिक्स टू आ सकता है, या सिक्स थ्री आ सकता है, सिक्स फोर आ सकता है, सिक्स फाइव आ सकता है, या सिक्स सिक्स आ सकता है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास ऊपर आएगी जब हम दो एक ही तरह, एक रेड और एक आपके पास कौन सा है, ब्लू है, उस लूडो के दाने को हम रोल करेंगे तो ऊपर आने के क्या चांस हो गए, ये आपके पास चांस बनते हैं। तो टोटल चांस कितने हैं आपके पास, अगर हम इनको ऐड करेंगे ना, ऐड करें तो देखो ये सिक्स वन के साथ बन रही है, सिक्स टू के साथ बनेगी, फर्स्ट पे टू सिक्स टाइम, इस तरह फर्स्ट पे थ्री सिक्स टाइम आएगा, इस तरह फर्स्ट पे फोर भी सिक्स टाइम आएगा, इस तरह फाइव और इस तरह सिक्स आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल्स पे जाकर टोटल कितने होंगे, 36 आपके पास जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब ये 36 नंबर ऑफ सैम्पल्स में पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही है। अब उसने कहा था कि जब हम इनको जो सम है, इनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो टॉप पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कहता है वो 5 कितना टाइम आता है वो आपने निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें इवेंट की बात कर लेते हैं, तो इवेंट में देखो ऐड करने से कौन से ऐसे इनमें से ऑर्डर पे है जिसमें ऐड करने से 5 बन रहा हो, 1 और 4, यह आ जाएगा 1 4, फिर 5 बनना चाहिए, 5 की हम बात कर रहे हैं, 3 और 2, फिर ये 3 और 2, और इस तरह फोर और वन, और उसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ देखो इन दोनों का सामने लेने से क्या बनना, 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पे ऐसा नहीं है इसमें कि जिसमें 5 बन जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस कितने आ गए, 1 2 3 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल टू होगी एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एन ऑफ ई कितना है 4, एन ऑफ एस कितना है 36, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। तो इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। ठीक है, अब इसलिए इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है आपने 7 निकालना है, तो इनमें से आपने वो ऑर्डर पे लेने हैं जिनको ऐड करने से क्या बन रहा होगा, 7 बन रहा होगा, तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है उस तरह ही, कि यहाँ पे फर्स्ट में कहा था ऐड करने से 5 बनना चाहिए, तो हमने 5 वाले पेयर ले लिए, तो आपने इनमें से वो सिलेक्ट कर लेने जिनको ऐड करने से क्या बनना होगा, 7, तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। इसी तरह आपने फिर थर्ड पार्ट में 11, इनमें से आपने वो लेने हैं जिनको ऐड करने से 11 बनना हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली। जिस तरह 11 की हम बात करें तो देखो 11 यहाँ पे आ सकता है जी फाइव और सिक्स आ रहा है, ठीक है, इस तरह सिक्स और फाइव होगा। तो इस तरह सेवन की हम बात करेंगे तो फाइव और फोर और थ्री आ सकता है, ये फोर और थ्री सेवन। तो आपने ऐड करने से जो सेवन बने हैं उनको ले लेना है, और थर्ड पार्ट में ऐड करने से जिन 11 बने आपने उन ऑर्डर को लेके उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने निकाल लेनी। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सपेरिमेंट। कहता वन चिट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम ऑफ 30 स्टूडेंट of a class of 18 boys and 12 girls is taken out at the random for nomination of the monitor of the class। क्या मतलब है? कहता है एक क्लास है 30 स्टूडेंट की, और उस 30 स्टूडेंट में से कहता है जो 18 बॉयज हैं और 12 जो है वो क्या है गर्ल्स हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट की क्लास है, 18 बॉयज हैं और 12 क्या है गर्ल्स हैं। अब इन 30 में से क्या नाम है एक जो है हमने चिट निकाली है किसके लिए? मॉनिटर बनने के लिए। क्लास का मॉनिटर होता है जिसे हम सीआर बोलते हैं। 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से 18 बॉयज हैं और 12 क्या हैं गर्ल्स हैं, उसमें से एक चिट निकाली है किसके लिए? मॉनिटर की नॉमिनेशन के लिए। तो कहते हैं ये भी हो सकता है कि वो जो चिट निकली है उसके ऊपर बॉयज का नेम हो, या ये भी हो सकता है वो जो चिट निकली है उसके ऊपर क्या हो? गर्ल्स का नेम हो। ये इवेंट हैपनिंग हो रहा है। तो बॉयज कहता अगर चिट के ऊपर बॉयज का नाम आए तो फिर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटीज है मॉनिटर बनने की। अगर चिट के ऊपर गर्ल्स का नाम आता है तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज है उसके मॉनिटर बनने की, ये आपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है जी मॉनिटर इज अ बॉय। अब अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट में कितने बॉयज हैं? 18 बॉयज और गर्ल्स कितनी है? 12 गर्ल्स हैं, ठीक है। 18 बॉयज हैं और 12 जो है वो गर्ल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए एलिमेंट इसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं? 30। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है इवेंट में कि वो जो चिट निकली है इसके ऊपर बॉय का नेम लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल कितने बॉय हैं सैंपल में? 18। अब अगर बॉयज का नेम निकला तो कितने बॉयज? तो 18 है, तो 18 चांस ही है बॉयज आने के, ठीक है, वो फिर हम बॉयज लिख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए? 18। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ S, तो ये 18/30 9/10 बॉयज कम्युनिटर बनेगी। प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकलेगी? 9/10 निकलेगी, ठीक है। अगर वो कह रहा है सेकंड में वो कह रहा है मॉनिटर इज अ गर्ल, तो सेकंड पार्ट आपने खुद ही कर लेना है कि अगर जो वो मॉनिटर है वो हमारे पास क्या हो? वो गर्ल हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? यहाँ पे देखो 12 है, यानी कि 12 जो है वो गर्ल्स हैं सेकंड पार्ट। अगर 12 गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन कितने आ गए? 12। तो इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप जस्ट क्या करोगे? फार्मूले में जो है इसकी वैल्यू पुट कर दोगे एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो ये 12/30, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 6 और 2 15 और 15 जो है वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकलेगी मॉनिटर बनने की, और इस तरह ये जो है 9/10 जो है वो बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी मॉनिटर बनने। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी। कहता है एक्सपेरिमेंट कौन सा है? कहता है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कहता है जो कॉइन है उसको हम 4 टाइम जो है वो क्या करते हैं? टॉस करते हैं उसके साथ। तो इवन क्या हैपन होता है? कहता है ऑल टाइम जो है वो हेड आता है, तो कहता है अगर ऑल टाइम हेड आए तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या कहता है 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल आए तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट से इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या रखे? ऑल हेड, कि जब हम टॉस करते हैं तो टॉप के ऊपर जो आ रहा है वो ऑल टाइम क्या आएगा? हेड आएगा। इसकी आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? तो अगर हम सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करें अब सैंपल स्पेस में कह रहा है हम 4 टाइम ये करते हैं, टॉस करते हैं कोण के साथ। अब जब 4 टाइम टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी हेड या टेल आने की। जब हम 4 टाइम करते हैं तो मे बी ये हो सकता है 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाए हेड आ जाए, ठीक है 4 टाइम ही हेड आ सकता है, या क्या हो सकता है 4 टाइम ही टेल आ सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि फर्स्ट 3 टाइम जो है वो हेड आ जाए और लास्ट टाइम टेल, या फर्स्ट 3 टाइम जो है वो टेल आ जाए और लास्ट टाइम जो है वो हेड आ जाए, ठीक है। फिर अगली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम जो है, ठीक है फर्स्ट 2 टाइम जो है वो क्या आ जाए हेड आ जाए और लास्ट 2 टाइम जो है वो क्या आ जाए टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम जो है वो टेल आ जाए और लास्ट 2 टाइम जो है वो क्या आ जाए हेड आ जाए, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो क्या हो हेड हो, ठीक है फिर क्या हो हेड हो फिर टेल हो फिर हेड हो, कि फर्स्ट 2 टाइम हेड आ जाए बाद में क्या आ जाए टेल फिर हेड। या इस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम जो है वो क्या आ जाए टेल आ जाए फिर हेड आ जाए और फिर क्या आ जाए जी टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या हमारे पास ये हो सकता है कि हेड टेल हेड हेड आ जाए, या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि टेल टेल आ जाए, ठीक है। या इसमें यह पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हेड आ जाए और बाद में टेल फिर हेड आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि टेल हेड हेड और टेल आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपके पास आ जाए टेल हेड, या आ जाए हेड टेल टेल हेड, या आपके पास हो सकती है हेड फर्स्ट पे टी टी टी, या टी स्टार्ट में बाद में हेड हेड हेड। तो ये आपके पास टोटल जो है वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब आप 4 टाइम जो है किसी कोण के साथ टॉस करोगे, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनेगी, और रियल एग्जांपल आप कॉइन लेके उसका टॉस करके दे सकते हो, आपके पास ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस वो आपके पास टोटल होंगे 4 4 4, ये बन गए 16, ठीक है। अब इवेंट क्या था, ऑल हेड्स, इवन था कि ऑल हेड्स कितने टाइम आ रहे हैं 1 टाइम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई वो कितने हो गए 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई ओवर एन ओवर एस, तो ये 1/16 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड है और 2 टेल्स है इवेंट में, तो देखो कितने टाइम आ रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 हेड और 2 टेल्स, ये कह रहा है 2 हेड 2 टेल्स 2 हेड 2 टेल्स, उसके अलावा जी ये 2 हेड और 2 टेल्स ये आ रहा है, उसके अलावा जी ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। ये 6 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास 2 हेड और 2 टेल्स आने की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एच एच टी 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 एच एच, उसके अलावा एच टी टी एच टी एच एच टी, उसके अलावा आ रहा है जी टी एच और एच टी, ये हेड टेल हेड, ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब इसमें नंबर्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ई वो आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एन ऑफ ई की बात करें तो ये आपके पास है 6, एन ऑफ एस आपके पास कितना है 16। तो इनको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3/8। ये इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 7.5 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अगर अभी भी किसी को किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, अदर जो ऐप्स हैं उनके लिंक्स गिवन है, आप उनको यूज़ करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।